Oscar. Today, we have the kind presence of Srimati Durpati Murmuji, the NDA nominated presidential candidate. And we have also the presence of dynamic Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sarma ji. My colleague in the Council of Minister Government of India, Pratima Bhoumik ji, and the President of Bharatiya Janata Party, Assam Pradesh Bhavish Kalita ji, President AGP Atul Bada ji, and President UPPL Pramod Boru ji, and the National Spokesperson Bharatiya Janata Party Dr. Sambit Patra ji, and the Organizing Secretary of North East Ajay Jamwal ji, and General Secretary of Bharatiya Janata Party National Team Dilip Sehgal ji, all the respected Minister of Government of Assam, Member of Parliament, and respected MLAs present here today. Today is a proud moment for all of us. In this particular proud moment, we must be thankful to Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji. Because of his visionary initiative, we got a candidate for forthcoming President of India election, who is coming from a very, very humble background. Durpati Murmu ji belong to a Santal Adivasi family of Odisha. अपने जीवन काल में द्रौपदी जी ने समाज के अलग अलग दायित्व निष्ठापूर्वक निभाए और अब तक जो भी दायित्वभार द्रौपदी के कंधों पर दिया गया था, हर दायित्व को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक और काबिलियत से निभाने के वजह से आज देश के अंदर द्रौपदी जी मुर्मू के एक सभी बने, जिस सभी से महिला जगत को, हमारे सारे देशवासियों को शक्ति देने का अगले दिनों में निश्चित रूप से बड़े भूमिका निभाएंगे। और मुझे तो मानना है, मैंने जो थोड़ा बहुत द्रौपदी मुर्मू के बारे में अध्ययन किया है, एक काउंसिलर रहे, एमएलए रहे, मंत्री है, और बाद में पहला ट्राइबल गवर्नर बने, उनकी व्यक्तित्व का सबसे बड़ी विशेषता यही है, अति साधारण, सरल, सकारात्मक। और जब भी कोई मिलते हैं द्रौपदी से, तो ये महसूस होता है कि द्रौपदी जी का जो पवित्रता, उनकी जो सकारात्मक शक्ति के द्वारा जो रस्ते उभर के आते हैं, तो इससे सबको मन में शांति मिलता है। आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में जो मजबूत कदम उठाए, इससे साफ जाहिर है कि ये देश उन्हीं के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि एक देश आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में महिला, हम सबको मालूम है, हर महिला की द्वारा ही एक परिवार को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो आज महिला की जो उल्लेखनीय भूमिका युग युग में रहे और हर कालखंड रहे,
तो आज 21वीं सदी में भारत को उसी हिसाब से सजाने के लिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के पद में आज एक महिलाओं को प्रतिष्ठित करने में आज बड़ी कदम उठाए। तो इससे खुशी के बाद क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि आज इस खाल खंड में आप लोगों ने जैसे हमारे सहयोगी दल में जो बात रखी बहुत मुझे आनंद महसूस हुआ है। अतुल बड़ा जी, अनुज बरो जी, आप लोगों ने जो जेस्चर दिखाए हैं तो मुझे मानना है कि देश निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सपने के हिसाब से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, महिला शक्ति महाशक्ति। और आज इस देश को उसी हिसाब से सजाने के लिए आज महिला को विशेष रूप से मान्यता दी गई है। और मैं तो विशेष रूप से ये भी कहना चाहता हूं, ये ट्राइबल महिला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मंत्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए दिया था, आज इस मंत्रों को साकार करने में उन्होंने जो उदाहरण खड़ा किए हैं ये बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले दिनों में आप सबका सहयोग द्वारा निश्चित रूप से द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। और द्रौपदी जी ने इन दिनों में मैं अलग अलग प्रदेश का जो दौरा किया उसी कालखंड में बताया 16 साल पहले आसाम के लिए आए थे और हमारे कामाख्या प्रसाद तासा जी का नाम, रुक्मिणी जी का नाम मुझे नहीं मालूम, रुक्मिणी जी कहाँ है अभी, द्रौपदी जी आप याद कर रहे थे। तो बराक के लिए और ब्रह्मपुत्र के लिए अलग अलग स्थानों पर द्रौपदी जी को जाना पड़ा। तो उसी कालखंड में काफी उन्होंने भी आसाम को समझने में मतलब देखने में उसको समझने में विशेष रूप से उनको भी काफी मदद मिली। तो उसी उपलब्धि का साथ आज आप सबको प्रणाम देने के लिए द्रौपदी जी हमारे बीच उपस्थित है। निश्चित रूप से आसाम की जनता के आशीर्वाद मिलेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं विशेष रूप से डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सभी विधायकों को सभी सांसदों को आज इस सभागृह पर बुलाकर द्रौपदी मुर्मू जी